आप देख सकते हैं कि क्लॉक के हैंडल्स जिस तरफ मूव कर रहे हैं ये क्लाक है ठीक है ना इस तरफ जब हम राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं जिस तरह एरो मूव कर रहा है और ये हैंडल मूव कर रहा है तो ये क्लाक वाइज हैंड राइटिंग होगी अब ऑपोजिट में दूसरी क्लॉक को देखें क्लॉक जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसके हैंडल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एरो को भी आप देख सकते हैं तो इस डायरेक्शन में जो हम अल्फाबेट्स और लेटर स्टार्ट करेंगे वो एंटी क्लाक कहलाएंगे लेट सी द स्टेप दन द एंटी क्लॉक फैमिली ये है हमारे पास एंटी क्लॉक फैमिली चलिए देखते हैं कि इस फैमिली को हमने कैसे लिखना है स्टूडेंट्स एंटी क्लॉक फैमिली में हम जो अल्फाबेट्स करेंगे वो हैं सी ए डी जी क्यू ओ और ई e. ठीक है ये एंटी क्लॉक फैमिली में ये वाले अल्फाबेट्स आते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़ोर ब्रॉड लाइंस वाली ठीक है ना फोर लाइंस की ब्रॉड जो लाइंस हो वो नोटबुक लेनी है जो कि प्ले ग्रुप के लिए यूज़ की जाती है प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए जो यूज़ की जाती है जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैंने भी वही नोटबुक यूज़ की हुई है स्टार्ट में आपने यही नोटबुक लेनी है आप देखें फैमिली हम स्टार्ट करते हैं सी सी uh, प्रॉपर बनाना आप सीख जाएंगे तो आपकी फैमिली के सारे अल्फाबेट्स अच्छे बनेंगे सी और आई को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ए बनेगा सी और एल की जो शेप है इसको जॉइन करेंगे तो डी बनेगा सी और ये जे टाइप की जो शेप है इसको ज्वाइन करेंगे तो जी बनेगा आगे नेक्स्ट देखें क्यू को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है फिर ओ है और फिर हमारे पास ई e है ठीक है पहले आप इसको दो दो पार्ट्स में कर लेंगे ठीक है प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ देखें मेरी फॉर्मेशन ए मैंने कैसे बनाया सी जो है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करके ऊपर लाइन को टच करना है कर्व करते हुए ठीक है उसी तरह डी भी पहले प्रॉपर सी बनाना है फिर ऊपर लाइन तक ले आना है जी देखें इसी फॉर्मेशन के तहत आपने सारे जो एंटी क्लॉक फैमिली के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आपकी ये हो जाएगी